नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो छोटे बैंगन लिए हैं, इन्हें धोकर साफ कर लिया है। ये ताज़ा बैंगन है। बैंगन में नीचे से दो कट लगा लेते हैं और साथ ही चेक भी कर लेते हैं कि कोई कीड़ा ना हो। इसी तरह सारे बैंगन काट लेते हैं। मैंने सारे बैंगन काट लिए हैं, ऊपर से हिस्सा जुड़ा हुआ है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में आधी कटोरी दही डाल देते हैं। दही ताज़ा होना चाहिए। अब एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर मसाला मिक्स कर लेते हैं। अब कढ़ाई में आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा भून लेते हैं। अब दही वाला मसाला डाल देते हैं। एक चम्मच पानी डालकर बॉल का सारा मसाला डाल देते हैं। लगातार चलाते हुए दही वाले मसाले को भून लेते हैं, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। मसाला भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। और अब बैंगन डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। एक या दो बार बीच में हिला दें। फिर से ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर बैंगन को पूरा पका लेते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं। बैंगन को फोड़ कर देख ले, आराम से फूट रहा है। इसका मतलब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें चौथाई चम्मच गर्म मसाला डाल देते हैं, साथ ही हरा धनिया डाल देते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। 8 से 10 मिनट लगे हैं और हमारे बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। सब्जी को निकाल देते हैं। हमारे दही वाले बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।